अभी तक आपने देखा हाउ टू गेट लकी में जून क्वान को किडनैप कर लेता है। दूसरी तरफ लिए यारोंग क्वान को एक वीडियो दिखा रहा होता है और बोलता है, तुमने ये देखा ना उस लड़कियों का रिएक्शन, मैं भी ऐसा रिएक्शन तुम में देखना चाहता हूँ। क्वान घबराते हुए बोलती है, लिंग मेरी मदद करो लिंग। जून बोलता है, लिंग तुम्हें लगता है कि वो तुम्हें बचाने के लिए इधर में आएगा? अगर उसे ये पता भी चल जाए लेकिन वो अंदर आते आते मार जाएगा। तुम मेरी पत्नी बन जाओ और सब कुछ शांत हो जाएगा। क्वान बोलती है, मेरे करीब मत आना। जुआन हंसते हुए बोलता है, तुम शायद अभी भी वर्जिन ही होगी। फिर वो क्वान को बिस्तर में लेटा देता है। उसी समय दरवाजा टूट जाता है और जून बोलता है, ये क्या चल रहा है यहाँ पर? फिर वहां पर लिंग आ जाता है। ये देखकर जून बोलता है, धत्ते रिकी है, लिंग यहाँ पर कैसे आ सकता है? फिर एक आदमी जून को बोलता है, मुझे माफ करना मास्टर जून, हमने इसे रोकने के लिए पूरा कोशिश किया लेकिन ये बहुत ही ताकतवर है। फिर लिंग देखता है कि जून क्वान का बुत पकड़ा हुआ है। ये देखकर वो बहुत ही गुस्से में आ जाता है और वो आदमी को जून के ऊपर फेंक देता है। लिंग गुस्से से बोलता है, अगर तुम मेरे साथ बदला लेना चाहते हो बेईसिन के साथ मेरा रिलेशन के लिए तो ये बहुत ही आसान होता, लेकिन तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई इसे ट्रस्ट करने की? बताओ मुझे तुम कैसा मरना चाहोगे? फिर जून किसी तरह उठते हुए बोलता है, कोई कोई इसे मारो। लिंग बोलता है, मुझे लगता है कि तुम अभी आराम करो अगर तुम चाहते हो कि कोई तुम्हें बचाने आएगा तो, क्योंकि मैंने बाहर के सारे लोगों को मार डाला है, तुम ही वो इंसान हो जो यहाँ पर अभी चल पा रहा है, लेकिन ये तुम्हारा आखिरी बार है जब तुम चल पाओगे। जून घबराते हुए बोलता है, तुम क्या करना चाहते हो? तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? तुम्हें पता है अगर मेरे साथ कुछ भी हुआ तो तुम्हारे साथ आखिर में क्या होगा? लिन बोलता है, मुझे पता है, तो क्या मैं तुम्हें उसकी और जाने नहीं दूंगा, यहाँ तक कि मुझे सहना भी होगा तो मैं तुम्हें पहले मार डालूंगा। जून ये सुनकर शॉक्ट हो जाता है और बोलता है, क्या? लिंग उसकी ओर जाते हुए बोलता है, मरने के लिए तैयार हो जाओ। लिंग कांपते हुए बोलता है, तुम मुझे मारना चाहते हो क्या? मेरी तरफ मत आओ, मेरे पास मत आओ। फिर लिन उसका हाथ पकड़ते हुए बोलता है, ये तुम्हारा राइट हैंड है ना? जून शॉक्ट हो जाता है और बोलता है, हाँ, और उसका हाथ पूरी तरह से तोड़ देता है। जून बुरी तरह से चिल्लाता और बोलता है, ओ मेरा हाथ। लिंग बोलता है, फिर अब मैं तुम्हारा अगला क्या तोड़ू? और जून गुस्से से बोलता है, मैं तुम्हारी फैमिली को मार डालूंगा, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी ही होगी। लिंग बोलता है, तुम्हारे पास इतना हिम्मत है कि तुम मुझे धमकी दे सकोगे? फिर जून वहां से कुदक जाता है और बोलता है, फिर रुको, फिर देखना तुम्हारे साथ क्या होगा। लिंग शॉक्ड होकर बोलता है, वो कूद गया? और फिर वो देखता है बाहर में, ये तो रिवर है। और वो अपने मन में बोलता है, धत तेरी की, उसे इतना दम है कि यहाँ से कूद गया, ये आगे चलकर बहुत ही मुसीबत देगा। फिर उसी समय क्वान बोलती है, लिंग मुझे पता था तुम मुझे बचाने के लिए यहाँ पर आओगे और तुम सही में यहाँ पर आ गए, मैं बहुत ही खुश हूँ। और फिर वो रोते हुए बोलती है, ये बहुत ही अच्छा है, सही में बहुत ही अच्छा है, मैं बहुत ही डर गई थी कि तुम मुझे खोज नहीं पाओगे। लिंग बोलता है, अब तुम बच गई हो क्वान, मुझे माफ़ करना, मैं बहुत ही देर से आया हूँ, ये मेरा गलती है कि मैंने तुम्हें अकेला छोड़ा, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि ऐसा कभी फिर से नहीं होगा। और फिर उसका सर सहलाते हुए बोलता है, अब डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो यहाँ से भाग गया है, हमें भी यहाँ से जाना चाहिए। क्वान बोलती है, लेकिन लिन मैं हिल नहीं पा रही हूँ, मेरा पाँव कांप रहा है और मेरे पास उतना ताकत नहीं है, मुझे माफ़ करना। लिन बोलता है, अच्छा। फिर वो अपने गोद में उठा लेता है और बोलता है, चलो चलते हैं। फिर दूसरी तरफ ली हिडोंग अपने मन में बोलता है, वो सही में अंतर है, बहुत देर से ऐसा लगता है कि वो मर गया, मैं बहुत ही खुश हूँ वो मर जाए, अगर वो दोनों मर जाए तो और भी अच्छा होगा। फिर उसी समय लिंग वहाँ पर आ जाता है और बोलता है, गाड़ी स्टार्ट करो। वो अपने मन में शॉक्ड होकर बोलता है, धत तेरी की, ये सही में बहुत ही अजीब है। ली हेडोंग बोलता है, बॉस मुझे पता है कि आप कर पाओगे। लिंग बोलता है, बकवास बंद करो। फिर वो दोनों बैठ जाते हैं अंदर। फिर ली हेडोंग बोलता है, भाभी टाइट होकर बैठना। वह लिंग की ओर देखते हुए बोलती है, भाभी। तभी ली हेडोंग बोलता है, मैं तुम्हें अपना भाई समझता हूँ तो मैं इसे अपना भाभी बोल रहा हूँ, आशा करता हूँ कि तुम इससे गुस्सा नहीं होगे। लिंग बोलता है, तुम गलत फहमी में हो, हम लोग रिलेशनशिप में नहीं है। क्वान उदास से बोलती है, हाँ लिंग सही बोल रहा है। फिर ली हेडोंग बोलता है, जवान लोग ऐसे ही शर्माते हैं, तो टाइट होकर बैठी है, हम लोग चलते हैं। फिर वो उसके घर की ओर छोड़ देता है और बोलता है, अगर मेरी मदद की ज़रूरत पड़े तो मुझे बुला लेना, चलता हूँ। बे बोलती है, शुक्रिया आपका ये सब के लिए। और जाते हुए ली हेडोंग क्वान को बोलता है, आपका वेलकम भाभी। लिंग बोलता है, ठीक है चलो हम लोग घर चलते हैं, अगर तुम्हें कोई भी ज़रूरत पड़े मुझे बुला लेना,
मैं तुम्हारे घर के पीछे ही रहूंगा, क्वान बोलती है। ठीक है, फिर लिंग अपने घर में चला जाता है और बोलता है वैंग चू का बदला अब बहुत ही घातक होने वाला है। उसके पापा और वुल्फ गैंग से भिड़ना इतना भी आसान नहीं होने वाला। मेरा परिवार शायद ये सब में घसीटा जाएगा। मुझे आने वाले चीज़ों को अब रोकना ही होगा किसी तरह। मैं अपने परिवार और क्विन को और मुसीबत में नहीं डाल सकता। फिर उसी समय क्विन बोलती है लिंग क्या तुम अभी फ्री हो? लिंग बोलता है हाँ मैं फ्री हूँ, क्या हो गया? क्वान बोलती है अच्छा मैं सोच रही थी कि क्या तुम मेरे साथ आज सोना चाहोगे। लिंग ये सुनकर बहुत ही शॉक्ड हो जाता है और बोलता है ऐसा अजीब सी बातें मत कहो। क्वान बोलती है नहीं नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, जैसा तुम समझ रहे हो वह ऐसा कुछ नहीं है। मेरा पेरेंट्स बोले कि शायद वो आज नहीं आ पाएंगे, इस घर में मैं अकेले ही हूँ इसलिए मुझे बहुत ही डर लग रहा है। तो मुझे लगेगा कि यहाँ पर कोई नहीं है तो मुझे नींद नहीं आने वाला, प्लीज़ फैंग आ जाओ यहाँ पर। लीड बोलता है ये बहुत ही आम बात है जो तुम्हारे साथ हुआ है इसके बाद दर्द की, मैं इसके लिए पूरी तरह जिम्मेदार हूँ, तो मैं तुम्हारे साथ रहूँगा जब तक तुम्हें नींद ना आ जाए। फिर उसके बाद लिंग क्वान के रूम में आ जाता है। क्वान नहाते हुए बोलती है लिंग तुम वहाँ पर हो ना? लिंग तुम अभी भी वहाँ पर हो ना? मुझे डराओ मत। लिंग बोलता है हाँ मैं यहीं पर हूँ, तुम अपना समय लो। लिंग अपने मन में बोलता है हमारा बातचीत अभी विंडो में चल रहा है और उस दौरान अभी टास्क आ गया है, उसमें लिखा होता है ये तीनों टास्क को कंप्लीट करने के बाद तुम्हें 17 पॉइंट मिलेगा। और उस टास्क में होता है पहला क्वान को अच्छी तरह सहलाना, दूसरा उसके लिप्स में किस करना और तीसरा उसके संतरे को 30 सेकंड के लिए दबाना, तो तुम्हें मिलेगा टोटल पॉइंट 17। लिंग अपने मन में बोलता है मुझे इतना सेक्सुअल हैरेसमेंट का टास्क क्यों मिल रहा है बार बार। फिर उसी समय क्वान बाहर आती है और बोलती है मेरा नहाना हो गया। लिंग देखकर बोलता है क्वान तुम, क्वान बोलती है क्या कुछ गलत है? लिंग बोलता है तुम बहुत ही सुंदर दिख रही हो। क्वान शर्माकर बोलती है अच्छा मैं उतनी सुंदर नहीं हूँ, प्लीज़ मेरा मजाक मत उड़ाओ, मैं जा रही हूँ सोने के लिए, गुड नाइट। लिंग बोलता है ठीक है गुड नाइट। फिर क्वान वहाँ से जल्दी से रूम में चली जाती है। लिंग अपने मन में सोचता है ये शर्माती है तो और भी ज़्यादा सुंदर लगती है, अब मैं आराम से ये कंप्लीट कर सकता हूँ टास्क। फिर कुछ देर के बाद लिंग क्वान के रूम की ओर बढ़ता है और अपने मन में बोलता है अब 30 मिनट हो चुके हैं, क्वान अभी तक सो गई होगी, मैं इस चांस से टास्क भी कंप्लीट कर लूँगा, उसके होठों को किस कर लूँगा, अब मैं इसके लिए चलता हूँ। फिर वो दरवाज़ा ठोकते हुए बोलता है क्या तुम सो गई हो? क्वान कोई जवाब नहीं आ रहा, शायद वो सो गई होगी। फिर वो अंदर आते हुए बोलता है मैं अंदर आ रहा हूँ फिर। ओके वो सही में सो गई होगी शायद। और वो धीमे धीमे उसके करीब जाता है और उसके बालों को सहलाते हुए अपने मन में बोलता है ये बहुत ही ख़राब होगा कि मैं इसे किस नहीं करूँ, मुझे माफ़ करना क्वान। फिर वो उसे किस कर देता है। फिर वो किस करके वहाँ से चला जाता है और जाते हुए मन में बोलता है मुझे माफ़ करना, लेकिन क्वान सोई नहीं होती है। दूसरी तरफ लिंग अपने मन में सोचता है ओ माई गॉड मैं इतना नर्वस कभी भी नहीं हुआ था पहले, अगर ये ऐसे ही चलता रहा मेरा ज़िंदगी सही में बहुत ही कम हो जाएगा, मैं थोड़ा और वेट करता हूँ क्वान पूरी तरह सो जाए तो मेरा लास्ट टास्क भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर वो अपने होठ को सहलाते हुए बोलता है ये बहुत ही अजीब लग रहा है, मैंने सिर्फ थोड़ा सा ही किस किया था लेकिन अभी भी लग रहा है क्वान को मैं किस कर रहा हूँ, मैं क्या सोच रहा हूँ किसी को प्राइवेट में किस करना, ऐसा नहीं लगता कि मैं एक ठड़की हूँ। फिर वो अपने गाल पर थप्पड़ मारते हुए बोलता है ध्यान दो मुझे अभी टास्क कंप्लीट करना है, किसी और चीज़ के बारे में मुझे नहीं सोचना है, मैं ठड़की नहीं हूँ, मुझे सिर्फ 30 सेकंड के लिए उसका बूब्स दबाना होगा, मैं आ रहा हूँ। वो अंदर आ जाता है। क्वान अपने मन में बोलती है वो फिर से वापस आ गया, मुझे लग ही रहा था कि हम दोनों का एक ही फीलिंग है। लिंग क्वान को बोलता है मुझे माफ़ करना क्वान, लेकिन मैं ऐसा करना नहीं चाहता था जब तुम सो रही हो, लेकिन मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है तो मुझे माफ़ करना। क्वान बोलती है मैं तुम पर ब्लेम नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे पता है तुम्हारे फीलिंग के बारे में, इसके अलावा मुझे पता नहीं होगा जो हुआ है अभी, तुम्हें पता है कि मैं सोई हुई हूँ लेकिन फिर भी तुम मुझसे माफ़ी मांगने आए हो। लिंग बोलता है फिर मैं आ रहा हूँ। क्वान अपने मन में बोलती है हाँ क्या ये ऐसा नहीं हो सकता, मैं इसके लिए अभी तैयार नहीं हूँ। फिर लिंग उसके संतरे को सोने लग जाता है और फिर काउंट करता है 1-2, उसी दौरान क्वान के मुँह से आवाज़ निकल जाता है और वो जल्दी से अपना मुंह दबा लेती है। ये सुनने के बाद लिंग अपने मन में बोलता है ये अभी भी जागी है। फिर वो अपने मन में बोलती है मुझे माफ़ करना लिंग, मैं अभी तैयार नहीं हूँ, अब रुक जाओ प्लीज़। लिंग अपने मन में बोलता है लग रहा मुझे इल्यूशन हुआ है, अब मुझे कंटिन्यू करना ही होगा,
अब मैं वापस नहीं जा सकता। फिर वो उसके संतरे को पकड़ लेता है और काउंटिंग करना स्टार्ट कर देता है। दूसरी तरफ क्वाइन की हालत बहुत ही ख़राब हो जाती है। लिंक अपने मन में बोलता है, ये कितना सॉफ्ट है, ऐसा लगता है कि मेरा हाथ उसके अंदर चला ही जा रहा है, मेरा हाथ लग रहा है इसमें फंस गया, ऐसा लगता है जब किसी संतरे को दबाने में। फिर उसका 30 सेकंड ख़त्म हो जाता है और फिर वो हाथ हटाकर बोलता है, मेरा हो गया। और फिर वो जैसे ही वहाँ से जा रहा होता है, क्वान उसका हाथ पकड़ लेती है और बोलती है, लैंग तुम मुझे पसंद करते हो क्या? मुझे लगता है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, अगर ये तुम हो तो ये बहुत ही अच्छा होगा। लिंग अपने मन में बोलता है, तो मेरा 9 जन्मों का वर्जिनिटी ऐसे जाएगा। फिर उसी समय उसकी मम्मी वहाँ पर आ जाती है और वो लाइट ऑन करके बोलती है, वो सोने से पहले अपना दरवाज़ा क्यों नहीं बंद किए? और जैसे ही वो क्वान की ओर देखती है, लिंग उसके ऊपर में बैठा होता है और वो गुस्से से बोलती है, तुम दोनों।